Mila rahim Assalamu Alaikum students. I am your science teacher, Humatan Tanvir from the Smart School Mira campus. Hope you all are fine. Today I am going to solve our exercise of unit number two, food and balanced diet. Open your book page number 16. Exercise choose the correct answer. फर्स्ट इज़ डेट्री फाइबर कैन बी फाउंड इन मिल्क एग्स व्हीट साल्ट हमने पढ़ा था डेट्री फाइबर ग्रेन में से हासिल होता है सो वीट इज अ ग्रेन वीच ऑफ दिस फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन तमाम में से कौन सा ऐसा फूड है जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है ब्रेड मीट फ्रूट योगर्ट ब्रेड ब्रेड इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट द विटामिन इज़ मेड बाय द स्किन इन सन लाइट कौन सा विटामिन स्किन पे बनता है सन लाइट के थ्रू विटामिन डी विच ऑफ विच फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम कैल्शियम और प्रोटीन कौन से फ़ूड से हमें हासिल होती है हमने पढ़ा था कैल्शियम फाइबर से हासिल होता है तो चीज़ उसका ही एक पार्ट है प्रोटीन भी हम चीज़ से हासिल कर सकते हैं सो ए इज़ द राइट आंसर विच ऑफ दिज वी शुड ईट वेरी लिटल ऑफ हम किस में से बहुत कम लेते हैं स्वीट्स नेक्स्ट इज फाइंड द ऑर्ड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सब में से हमने एक ऑर्ड वन फाइंड करना है जो डिफरेंट है कर्ड, चीज जैम बटर द आट वन आउट इज डैश इन सब में से ऑड वन क्या है डिफरेंट कौन सा है यस, ऑर्ड वन इज जैम बिकॉज इट इज मेड बाय फ्रूट मिल्क कर्ट चीज और बटर ये फ्रूट से नहीं बनते जैम सिर्फ फ्रूट से बनता है नेक्स्ट इज क्योंकि हम बर्ड पीस कैरेट लेटस स्पिनिज ये सारे वेजिटेबल हैं इनमें से और बन कौन सा होगा ये कैरेट बिकॉज इट इज रूट वेजिटेबल मैं यहाँ पे सिर्फ वेज लिख रही हूँ आपने कंप्लीट लिखना है नेक्स्ट इज़ शुगर कैन बनाना एप्पल ग्रेप गवा अब इन में से बताना है ऑड वन कौन सा है बनाना एप्पल ग्रेप गवा ये हमारे पास फ्रूट्स हैं बट शुगर कैन फ्रूट नहीं है शुगर कैन ऑड वन है बिकॉज इट इज़ स्टेम ये एक स्टेम है स्टैचू चिश नट वॉलट ओनियन आलमंड सब में से ओनियन ऑट वन है बिकॉज इट इज वेजिटेबल मैं यहाँ पे वेजिटेबल का वेज लिख रही हूँ नेक्स्ट इज प्रोटीन मिनरल वुड फैट विटामिन इन सब में ऑट वन क्या है वुड बिकॉज इट इज मटीरियल ओके क्वेश्चन नंबर थ्री पुट टू वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट इन टू ईच कॉलम ऑफ द टेबल बिलो ये नीचे टेबल में हमने इन फूड आइटम्स में से पुट करने हैं कि हमें कौन सी चीज़ से क्या हासिल होता है प्रोटीन्स प्रोटीन्स हम किस से हासिल कर सकते हैं येस yes, बटर से हासिल कर सकते हैं बटर क्या है बटर से हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं बटर एक फूड आइटम है ठीक है नेक्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हम सीरियल से हासिल कर सकते हैं फैट्स फैट्स हम कहाँ से, से. तो से हासिल कर सकते हैं चॉकलेट से बिकॉज चॉकलेट तो स्वीट होती है नेक्स्ट इज विटामिन विटामिन हम सनशाइन से हासिल कर सकते हैं ओके स्टूडेंट मैंने फोर वर्ड्स लिख रही हैं बाकी के फोर वर्ड्स आपने फाइंड करने हैं ओके कैन यू एड एट लीस्ट वन फूड एट ईच कॉलम क्या आप और भी इसमें फूड आइटम्स एड कर सकते हैं वन यू हैव फिनिश फाइंड आउट वर्ट द अदर्स इन द क्लास हैव एडिड टू देयर लिस्ट जब आप ये काम खत्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो हम सब मिल के चेक करेंगे कि कौन से फूड आइटम्स किसने राइट किए हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड कैन यू थिंक ऑफ फ्राइंग फ्राइंग से यहाँ पे उन्होंने मेथड ऑफ कुकिंग बताया है आगे डिशेस प्रिपेयर्ड प्रिपेयर बाई दिस मेथड। इस मेथड से कौन से डिश प्रिपेयर हो सकती है फ्राइंग से हम कौन सी डिश प्रिपेयर करते हैं हम एग फ्राई करते हैं हम चिकन भी फ्राई करते हैं ओके नेक्स्ट हम बेकिंग से बेकिंग के मेथड से कौन सी डिशेस प्रिपेयर करते हैं हम बेकिंग से हम केक बेक कर सकते हैं ओके okay, हम पिज़्ज़ा बेक करते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम बेकिंग से कर सकते हैं नेक्स्ट आपने नोटबुक के ऊपर ऐसा ही टेबल बनाना है यहाँ पे फ्राइंग और बेकिंग मेंशन है आपने टू और थ्री मोर आपने मेथड्स ऐड करने हैं कुकिंग के जैसे कि बॉयलिंग आपने उसके सामने डिशेज लिख देनी है कि उस मेथड से हम कौन सी डिश प्रिपेयर कर सकते हैं ओके स्टूडेंट नेक्स्ट इज आंसर दीज क्वेश्चन हमें आंसर देने हैं क्वेश्चंस के आई हैव ऑलरेडी रिटन आंसर क्वेश्चंस हेयर आंसर दीस क्वेश्चन वाई डू वी नीड फूड हमें फ़ूड क्यों ज़रूरत होता है वी नीड फूड बिकॉज़ इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले हमें फ़ूड ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें और प्ले कर सकें वट डू प्रोटीन्स डू फॉर द बॉडी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं प्रोटीन्स और बॉडी बिल्डिंग फूड दे हेल्प आर बॉडी इन बिल्डिंग अप एंड रिपेयरिंग टिश्यू एंड मसल्स प्रोटीन्स हमारे पास बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं ये हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करते हैं अपना हमारे मसल्स को रिपेयर करते हैं और हमारी बॉडी की बिल्डिंग करते हैं नेक्स्ट इज़ वाई डज़ द बॉडी नीड कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की नीड क्यों होती है और बॉडी नीड्स दैम टू प्रोड्यूस एनर्जी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर बॉडी क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए एक मेजर सोर्स है क्विक एनर्जी का हाउ डू डायट्री फाइबर हेल्प इन डाइजेस्टन डायट्री फाइबर कैसे हेल्प करता है हजम करने के अमल में डायट्री फाइबर हेल्प टू मूव द वेस्ट थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम डायट्री फाइबर हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जब वेस्ट मूव कर देता है इस तरह वो डाइजेशन में हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन व्हाट वे आर विटामिन गुड फॉर द बॉडी किस तरह विटामिन हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं विटामिन कीप योर बोन्स एंड स्किन हेल्दी दे आल्सो हेल्प वाउंड टू हील। विटामिनस हमारी बोन्स uh, को और स्किन को हेल्दी करते हैं और ये हमारे ज़ख्मों में भरने में मदद करते हैं वट डू वी मीन बाय अ बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट से क्या मुराद है जी आपको मैंने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही बताया था बैलेंस डाइट क्या होती है और मैंने याद करने के लिए भी कहा था रिव्यू हाई में अ बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट वाइटी ऑफ फूड इन राइट अमाउंट मतवाजन गज़ा से मुराद सही मकदार में सही खाना है हाउ मच वाटर इज़ नेडिड बाय द बॉडी एवरी डे डज दिस मीन वी हैव टू ड्रिंक दैट अमाउंट हमें कितनी मकदार में पानी को ड्रिंक करना चाहिए क्या यही मकदार हमें लेनी चाहिए वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट सिक्स टू एट ग्लासेज ऑफ वाटर डेली हमें छः से आठ ग्लास पानी पीना चाहिए ऑल द मेटीरियल्स आर कैरी टू द सेल्स ऑफ अवर बॉडी बाई वाटर जितने भी मटीरियल्स हैं हमारे सेल कैरी करते हैं बॉडी में वो वाटर के थ्रू कैरी करते हैं वाटर की हेल्प से कैरी करते हैं सो दिस मीन वी हैव टू ड्रिंक दैट अमाउंट तो इसका मतलब है हमें इतनी अमाउंट में ही पानी पीना चाहिए सो so, स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जिनके मैंने आंसर आपको बता दिया है ठीक है ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग सर्च फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड इन द स्केर्स बिलो एंड ड्रॉ आर सर्कल्स राउंड दैम ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमने इन वर्ड को इस बॉक्स में फाइंड करना है ये एक बहुत मज़े की एक्टिविटी है फर्स्ट वर्ड इज मिल्क हमने यहाँ पे फाइंड करना है जी मुझे नज़र आ गया है एम आई एल के मिल्क हमने इसको इस तरह से सर्कल कर देना है नेक्स्ट इज़ फाइबर जी फाइबर फाइंड करें एफ आई बी आर ई फाइबर नेक्स्ट वर्ड इज कैल्शियम सी ए एल सी आई यू एम यह है कैल्शियम आपने इसी तरह सारे वर्ड्स को अपने इस बॉक्स में फाइंड करना है ओके स्टूडेंट्स होप यू ऑल अंडरस्टैंड Today's lecture, today's exercise. Allah bless you. Thank you for watching my video.